वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कर रहे हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ठीक है, जिसमें हम पहला ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रेट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि पहले नाइट्रेट्स हम यूज़ कर सकते हैं और नाइट्रेट्स कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं आज। अब नाइट्रेट्स में जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, एक तो नाइट्रोग्लाइसरीन है, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है और आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट है, ठीक है जी। अब अगर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें जो कंट्रैक्शन होती है, और जब कंट्रैक्शन होती होगी तो जो वेजल्स होंगी वो क्या करेंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। वो कैसे होता है मैकेनिज्म, नॉर्मल मैकेनिज्म। अब बेसिकली क्या होता है कि लेट सपोज ये वेस्कुलर स्मूथ मसल है, ठीक है, ये एक मैंने क्या बनाया, वेस्कुलर स्मूथ मसल। अब इसमें क्या होगी कि एंट्री ऑफ द कैल्शियम होगी, ठीक है, एंट्री ऑफ कैल्शियम होगी, पहला स्टेप ये होगा। अब कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम बाइंड होगा विद द कालम्यूडुलिन प्रोटीन के साथ, कालम्यूडुलिन प्रोटीन के साथ, और ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा एक, ठीक है जी। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये एक्टिवेट करेगा मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, ठीक है। अब काइनेज क्या है, मतलब कि ये एंजाइम है, इसको कैल्शियम कालम्यूडुलिन कॉम्प्लेक्स इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अब हमको पता है कि काइनेज क्या होते हैं, काइनेज वो होते हैं जो दूसरे चीज़ों को फास्फोराइलेट कर रहे हैं, तो मतलब क्या मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिवेट हो गया, तो ये क्या करेगा, जो मायोसिन लाइट चेन है उनकी फास्फोराइलेशन करवाएगा, और जब फास्फोराइलेशन होगी तो वो क्या होंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। जब वो ये मायोसिन लाइट चेन एक्टिवेट हो जाएंगी तो क्या होगी, हमारी स्मूथ मसल कंट्रैक्शन होगी। जब स्मूथ मसल कंट्रैक्शन होगी वेजल्स में तो क्या होगी, कंट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है, आर्टेरियो कंट्रैक्शन होगी या विनो कंस्ट्रक्शन होगी, मतलब कि वेजल्स जो होगी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। ये मैकेनिज्म हुआ। अब हमें देखना है कि जो नाइट्रेट्स हैं हमारे वो कैसे काम करते हैं, इधर कहाँ पे फिट होते हैं। बेसिकली अब अगर हम बात करें तो जो नाइट्रेट्स होते हैं वो जब बॉडी में जाते हैं तो पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्राइट आयन में। नाइट्रेट्स जैसे ही बॉडी में जाएंगे तो ये कन्वर्ट किस में होंगे, नाइट्राइट्स आयन में, और ये किस में कन्वर्ट होगा, NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड में। अब हमें पता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक वेजो डायलेटर है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं आप सुन लें, नाइट्रेट जो है ना मेनली ज़्यादा काम जो है ना वेंस की पे करते हैं, वेनो डायलेटर होते हैं, और ये हाई डोजेस पे जो है ना आर्टेरियो डायलेटर काम करते हैं, बट ये नॉर्मली जो है ना ये वेनो डायलेटर होते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज होगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगी, जो साइटोसोलिक ग्वानिल साइक्लेज होगा, ठीक है, उसको एक्टिवेट करेगी। जब ये एक्टिवेट होगा तो क्या होगा कि जो GTP है वो कन्वर्ट होगी साइक्लिक GMP में, ये कन्वर्ट होगी साइक्लिक GMP में। अब जब साइक्लिक GMP बढ़ जाएगी सेल में तो क्या होगी, ये एक्टिवेट करेगी प्रोटीन काइनेज जी को, ठीक है, किसको एक्टिवेट करेगी, प्रोटीन काइनेज जी को। अब प्रोटीन काइनेज जी क्या करेगा, ये फास्फोरिलेट करेगा कौन से एंजाइम को, मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, और जब ये फास्फोरिलेट हो जाएगा तो ये इनहिबिट हो जाता है। अब कुछ एंजाइम जो होते हैं हमारी बॉडी में ऑन द फास्फोरिलेशन वो एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं या प्रोटीन्स वो फास्फोरिलेशन पे वो इनहिबिट हो जाते हैं, जैसे मायोसिन लाइट चेन काइनेज है वो फास्फोरिलेट हुआ, प्रोटीन काइनेज जी ने किया तो वो इनहिबिट हो गया। अब जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो जो मायोसिन लाइट चेन है उसकी फास्फोरिलेशन नहीं होगी, क्योंकि मायोसिन लाइट चेन क्या काइनेज क्या करवा रहा था, इनकी फास्फोरिलेशन करवा रहा था। जब ये फास्फोलाइट होती हैं तो ये एक्टिवेट होती हैं, बट ये खुद जब फास्फोलाइट होगा तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो प्रोटीन काइनेज जी ने इसको फास्फोलाइट किया, ये इनहिबिट हुआ, तो इसकी जो है फास्फोरिलेशन हो जाएगी, मतलब कि इसकी डीफास्फोराइलेशन हो जाएगी। जब इसकी डीफास्फोराइलेशन हो जाएगी तो ये इनहिबिट हो जाएंगे, और जब इनहिबिट हो जाएंगे तो कंट्रैक्शन नहीं होगी इनकी, तो मतलब रिलैक्सेशन हो जाएगी और वेजल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स या डायलेट हो जाएंगी, और हमारा क्या हुआ, वीनो डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब अगर हम इनकी थेरापेटिक यूज़ की बात करें तो अंजाइना में ये इफेक्टिव होती हैं इन द ऑल द स्टेजेस ऑफ अंजाइना, या इन द ऑल फॉर्म स्टेबल अंजाइना में भी ये इफेक्टिव होती हैं, ठीक है, वेरिएंट में भी इफेक्टिव हैं, और ये अनस्टेबल अंजाइना में भी यूज़ होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल अंजाइना में यूज़ होते हैं।
अब अगर हम इनके इफ़ेक्ट्स की बात करें, जो इफ़ेक्ट्स हुए और ये एंजाइना में कैसे यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स इफ़ेक्ट्स पहला पहला कौन सा हुआ कि इन्होंने क्या करवाया, वीनोडायलेशन, ठीक है। ये वीनोडायलेशन हमने मैकेनिकल रिएक्शन में देखा, वीनोडायलेशन करवाएंगे तो क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब वीनोडायलेशन लगे, वीनस स्टेटिन कम हुआ तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जब ये कम होगा तो प्रीलोड क्या होगा, कम होगा। जब प्रीलोड कम होगा तो क्या होगा कि वर्कलोड कम होगा मायोकार्डियम पे, वर्कलोड ऑन मायोकार्डियम कम होगा, ठीक है। और उस वजह से क्या होगी कि ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी तो अंजाइना के जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, ओके जी। और उसके अलावा ये क्या है कि एट द हाई डोजेज, जैसे मैंने पहले बताया, एट द हाई डोजेज पे ये क्या है, ये आर्टीरियलो डायलेटर भी हैं, आर्टीरियलो डायलेशन काज करवाते हैं। और उस वजह से क्या करेंगे, डिक्रीज आफ्टर लोड करेंगे। जब आफ्टर लोड कम होगा तो वैसे ही ऐसे ही सेम ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। अगर हम दूसरी बात करें कि बेसिकली क्या होता है कि जब लेट सपोज ये आर्टरी है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, और ये क्या है, मायोकार्डियम है, ठीक है, जिसको ये सप्लाई करे, और ये इधर क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, ये क्लासिकल एंजाइना लेट सपोज प्रोड्यूस हो रही है। तो जब क्लासिकल एंजाइना प्रोड्यूस होती है तो उसके बाद जब इस्कीमिया होती है तो इस्कीमिया की वजह से क्या होती है, एंजियोजेनेसिस हो जाती है, मतलब कि न्यू वेसल्स डेवलप होती हैं इसमें से ही, जिनको हम बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप होती है। जब कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप होगी तो मतलब कि इसको दूसरे आर्टरी से जो चैनल हैं, कोलेटरल चैनल्स, उधर से ब्लड सप्लाई मिलेगी। तो ये जो होते हैं नाइट्रेट्स, वो इन कोलेटरल सर्कुलेशन की डायलेशन करवाते हैं, ठीक है। जब इनकी डायलेशन होगी तो इंक्रीज़ क्या होगी, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और हमारे अंजाइना के सिम्टम जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर हम इनके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो लिप्टनकॉट में जो बुक में है वो ज़्यादा बना हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड द जो आनसेट ऑफ द एक्शन है वो तीनों ड्रग्स का बना हुआ है। अब वो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप थोड़ा इनको देख लें क्या कि इनका आनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है। नाइट्रोग्लाइसरीन की अगर हम बात करें तो इनका जो आनसेट ऑफ एक्शन होता है वो 1 to 3 मिनट होता है, ये आप याद कर लें क्योंकि ये शॉर्ट है बिल्कुल। और अगर आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट की बात करें हम, मोनोनाइट्रेट का, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लेट स्टार्ट होता है, तकरीबन 30 मिनट्स में। बाकी अगर आप याद करना चाहते हैं तो उधर से याद कर लें, ये इतना आते नहीं है, ठीक है जी। और नाइट्रोग्लाइसरीन की फार्माकोकाइनेटिक में अगर दूसरी बात करें तो नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो हम सबलिंगुअली तकरीबन लेते हैं, ठीक है। अब सबलिंगुअली हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका जो है फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा है, फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है, इसलिए इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है बिल्कुल। तो इसलिए हम इसको सबलिंगुअली लेते हैं, जैसे हम फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास करें और हम अपना डिज़ायर फंक्शन हासिल कर सकें। अगर हम इनकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें, साइड इफ़ेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स की, साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें अगर हम इनकी, तो जो इनका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है हेडेक, ठीक है। ये BCQA के मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स आर हेडेक, ठीक है। हेडेक क्या है, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद क्या करेंगी, अब हेडेक क्यों काज करवाती हैं, हेडेक इसलिए क्योंकि ये डायलेटर्स हैं, ठीक है, वीनो डायलेटर्स हैं या आर्टीरियो डायलेटर्स हैं, हाइड्रोजी आर्टीरियो डायलेटर्स हैं। तो जो आर्टरीज जाती हैं हमारी ब्रेन में, तो जब आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी तो जो फोरामेन होती हैं स्कल में, तो जब वो आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी तो फोरामेन में जो ड्यूरल शीट होती है उनके ऊपर वो क्या होगी, इरिटेट होगी। जब इरिटेट होगी तो उधर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, तो हमें क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, हेडेक होगा, और वो थ्रोबिंग हेडेक होगा। मतलब जैसे आर्टरी पल्स करेगी ऐसे पल्सेटाइल जो है ना, पल्सेटाइल हेडिंग होगी, हेडेक होगा, जिसको थ्रोबिंग हेडिंग बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगी, फेशियल फ्लशिंग होती है। फेशियल फ्लशिंग क्यों होगी, क्योंकि जो फेस की आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। तीसरा क्या है, पोस्टरल हाइपोटेंशन करवाएंगी। पोस्टरल हाइपोटेंशन क्यों करवाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो वीनो डायलेटर्स होती हैं वो क्या करवाती हैं, सब पोस्टरल हाइपोटेंशन काज करवाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब जब पोस्टरल हाइपोटेंशन मतलब कि वीनो डायलेटर्स हैं, तो हमारा क्या होगा, सडनली बीपी ड्रॉप हो जाएगा। बीपी ड्रॉप हो जाएगा तो हमारी रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकती है, तो ये क्या करवाती हैं, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी करवा सकती हैं। अब रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया को अगर हम पेशेंट को यूज़ करें नाइट्रेट्स, अगर उसको रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस हो रही, तो उस रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए हम उस पेशेंट में कॉम्बो देते हैं, उसको हम क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स। जब बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हमारी अवॉइड हो सकती है, ठीक है जी। मतलब कि बीटा ब्लॉकर्स एंड द नाइट्रेट्स कॉम्बो में यूज़ हो सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्यों यूज़ होंगे, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है जी। अब कंट्रा इंडिकेशंस की अगर हम इनकी बात करें कि कंट्रा इंडिकेशंस क्या है इनकी, कंट्रा इंडिकेशंस या ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, अब जो फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स होते हैं,
ठीक है, जैसे सल्डीनाफिल हो गई, सल डीनाफिल, ठीक है। अब ये मोस्टली जो ब्रांड नेम आता है वो इसका वाइग्रा आता है, ठीक है जी। अब ये क्या करती है, ये साइक्लिक एम्पी फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर 5 को इनहिबिट करती है और साइक्लिक एम्पी को इनक्रीज करवाती है। तो ये जो है ये ड्रग इसका नाइट्रेट्स का, क्योंकि ये भी जो है ये जो ये भी है कि एनओ का ये भी फंक्शन जो नेचुरल एनओ रिड्यूस होता है, एंडोथेलियल ड्राइव्ड एनओ होता है, उसका एक्शन स्टिमुलेट करती हैं बाय द इनहिबिशन ऑफ द फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, ठीक है। फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम जो होता है जो साइक्लिक जीएमपी को तोड़ता है उसको इनहिबिट करवाती हैं। तो ये ड्रग्स जो है इनका एक्शन जो है ना पोटेंशिएट कर सकती हैं और उसकी वजह से ज़्यादा क्या होगा, हाइपोटेंशन डेवलप हो सकता है, ठीक है। अगर हम ये साथ में देंगे तो हाइपोटेंशन ज़्यादा डेवलप होगा क्योंकि डायलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी हाइपोटेंशन, तो इसलिए हम ये कंट्राइंडिकेटेड है कि फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर लाइक द सिलडेनाफिल इनके साथ हम ना दें, ठीक है। अब उसके अलावा एक दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट फ्री इंटरवल, क्या बोलते हैं हम उसको, नाइट्रेट फ्री इंटरवल, इसको हम देखें ये क्या है। अब बेसिकली क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में क्या हो जाती है कि टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है अगेंस्ट द नाइट्रेट्स। वो क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी डिसेंसिटाइज हो जाती हैं इन ड्रग्स के, तो उन नाइट्रेट मतलब कि उन टॉलरेंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रेट फ्री इंटरवल देते हैं, प्रोवाइड करते हैं उन पेशेंट में। अब नाइट्रेट फ्री इंटरवल मतलब क्या कि कुछ जो इंटरवल ऐसा होगा जिसमें हम नाइट्रेट ड्रग नहीं देंगे, तो वो यूजुअली होता है 10 to 12 hours होता है एट द नाइट टाइम, ठीक है। अब नाइट टाइम में हम ये क्यों देते हैं, एट द नाइट टाइम। अब ये नाइट टाइम इसलिए देते हैं क्योंकि रात के टाइम में जो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड है वो कम होती है और उसको इतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं चाहिए, तो ये हम उसमें उस टाइम हम दे सकते हैं ये। अगर हम वेरिएंट एंजाइना की बात करें तो जो वेरिएंट एंजाइना है वो मोस्टली जो होती है वो सुबह के टाइम जो है ना प्रिसिपिट होती है। सुबह के टाइम इसलिए होती है क्योंकि सुबह के टाइम ना सर्केडियन कैटेकोलामाइन सर्ज होता है, ठीक है। जब सर्केडियन रिदम मतलब कि एपिनेफ्रिन जब सुबह के टाइम सर्ज होगी तो वो क्या करवाएगी, वो हार्ट को एक्टिवेट करवा सकती है, तो और उसमें कोरोनरी आर्टरी की जो है वो वैसोस्पैज़म हो सकती है, चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये वेरिएंट एंजाइना सुबह के टाइम ज़्यादा कॉमन है, तो इसका जो फ्री इंटरवल होगा इसमें वो फ्री इंटरवल हम देंगे आफ्टरनून के बाद, ठीक है, आफ्टरनून के बाद हम फ्री इंटरवल दे सकते हैं। और अगर हम ट्रांसडर्मल पैचेस लगाते हैं, ठीक है, ट्रांसडर्मल पैचेस आप नाइट्रोग्लाइसिन अगर लगा रहे हैं तो वो हम 12 घंटे लगाएंगे और 12 घंटे उनको हम रिमूव करेंगे, ठीक है जी। ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नाइट्रेट फ्री इंटरवल। अब ये इधर हमारे जो है ना पूरे नाइट्रेट्स ख़त्म हो गए, नाइट्रेट्स में हमने देखा उनका साइड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका यूजेज, कंट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, हेडेक याद रखने, बेसिक वाला तकरीबन नाइट्रेट फ्री इंटरवल कॉन्सेप्ट समझा। अब इधर जो है ना नाइट्रेट्स खत्म हो गई और हमने देखा कि ये एंजाइना में कैसे हेल्प करवा रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना दूसरी क्लासेस करेंगे जैसे बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।